शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 12। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 12। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, और वह उसके यहां उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया, और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों व गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राणदंड के योग्य है, और उसको वह भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इसराइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इसराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरियाह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरियाह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरियाह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं यह काम सब इसराइलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया, और जो बच्चा उरियाह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया, और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाए। सातवें दिन बच्चा मर गया, और दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने तो कहा था कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया, यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को
आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट ना आएगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा और वह यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिद्याह रखा। और योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर राजनगर को ले लिया। तब योआब ने दूतों से दाऊद के पास यह कहला भेजा कि मैं रब्बा से लड़ा और जलने वाले नगर को ले लिया है, सो अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले ले, ऐसा न हो कि मैं उसे ले लूं और वह मेरे नाम पर कहलाए। तब दाऊद सब लोगों को इकट्ठा करके रब्बा को गया और उससे युद्ध करके उसे ले लिया। तब उसने उनके राजा का मुकुट जो तौल में किक्कार भर सोने का था और उसमें मणि जड़े थे उसको उसके सिर पर से उतारा और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर की बहुत ही लूट पाई और उसने उसके रहने वालों को निकालकर आरों से दो दो टुकड़े कराया और लोहे के हेंगे उन पर फिरवाए और लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्हें कटवाया और ईंट के पजावे में से चलाया और अम्मोनियों के सब नगरों में से भी उसने ऐसा ही किया। तब दाऊद समस्त लोगों समेत यरूशलेम को लौट आया।